देखो बेटा लिटिल सिंघम, अब तुम्हें सिखाता हूँ मैं कि चोरी कैसे करते हैं। तो गाइस मैं इनको बताने वाला हूँ कि ग्रैनी के घर से चोरी कैसे करनी है। ग्रैनी के घर पे इतना सारा पैसा जो कि वो हमसे ही चुरा के लेके गई है और बहुत ही शातिर दिमाग लगा करके। अले अले लिटिल सिंघम भैया, लिटिल सिंघम भैया, हम इसको कैसे चुराएंगे? यहाँ पे इतनी सारी ग्रैनी है, वो हमको मारने के लिए बहुत जरी तरीके से गन ले रखी है। अरे अरे चिंता क्यों कर रहे हो भैया, चिंता क्यों कर रहे हो, ये देखो मेरे पास भी लेजेंडरी गन है और इस गन से तो इस ग्रैनी की इजीली बैंड बजा सकते हैं अपन। मगर रुको अभी नहीं, संभल करके पहले देखनी पड़ेगी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके बाद धीरे धीरे पास में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो मेरे पीछे आ जाओ तुम लोग सबसे पहले पहले। चलो तो गाइस अभी मैं चलता हूँ, इनको बताता हूँ आखिर कैसे करना है। अले अले लिटिल सिंघम भैया, लिटिल सिंघम भैया, मैंने अभी अभी देखा है कि ग्रैनी के पास में बहुत सारी गन्स भी है और यहाँ पे काफी सारी रोबोट ग्रैनी है जो कि चुड़ैल है और वो चुड़ैल इतने सारे पैसों की सिक्योरिटी कर रहे हैं। अब अपन कैसे बचेंगे? अरे शिनचैन चिंता मत कर यार, तू बस चिंता मत कर, देखते जा, ये सब मैं आसानी से कर लूंगा। तो गाइस अभी मैं इधर ऊपर आ चुका हूँ एंड रुको मैं आपको पहले दिखा देता हूँ यहाँ पे कितनी टाइट सिक्योरिटी है। ये सारे के सारे गन्स है, सॉरी ये सारे के सारे पैसे हैं एंड यहाँ पे कलरफुल ग्रैनी सिक्योरिटी दे रही है, मगर उनको सिक्योरिटी दे रही है ये वाली ग्रैनी। शिवा शिवा तू अपनी इनविजिबल पावर से जरा देख के बता कि वहाँ पे आखिर कितने पैसे हैं या फिर ये लोग पैसे कहीं और तो नहीं छुपा रखे। अरे हाँ ठीक है चिंता मत करो, मैं बस अभी जाता हूँ एंड पता लगा के आता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मुझे यहाँ पे इनविजिबल होना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, तो मैं हो चुका हूँ इनविजिबल अपनी जादुई पावर से, अब चलो देख के आता हूँ। अरे ये क्या, ये तो मैं गिर गया। मगर चिंता मत करो मेरे को कोई भी नहीं देख सकता। अरे मगर वो मेरा खून देख सकते हैं, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। कपड़ा लेके आओ भैया। अरे यार मेरे को कपड़ा कौन लाके देगा, चलो ऐसा करते हैं कोई बात नहीं पड़े रहने देते हैं। तो गाइस अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कितने सारे पैसे हैं, 1 2 3 4 कितने सारे डब्बे भर भर के पैसे हैं यहाँ पे। ये देखो गाइस इतने सारे पैसे हैं यहाँ पे, और देखो ये है रियल ग्रैनी, व्हाइट ग्रैनी, रेड ग्रैनी, येलो ग्रैनी, पिंक ग्रैनी, ग्रीन ग्रैनी और ब्लू ग्रैनी। ये लोग मेरे को नहीं देख सकते हैं एंड हाँ मेरे को थोड़ा शांत भी रहना पड़ेगा, क्या पता ये मेरी आवाज़ सुन ले तो, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो मुझे धीरे धीरे बोलना पड़ेगा और लिटिल सिंघम भैया को मैं फ़ोन करता हूँ। हेलो हेलो लिटिल सिंघम भैया, सुनो मेरे को पैसे दिख गए हैं और यहाँ पे 20 ग्रैनी है, मुझे संभल करके रहना पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू कीको, थैंक यू सो मच। चलो तो गाइस अभी हमें पता पड़ चुका है, अब मुझे संभल करके जाना पड़ेगा। एंड भाई ये क्या है, ये जादुई पानी, मुझे तो यार इस पानी के अंदर कुछ अजीब लग रहा है। देख कीको वहाँ पे सामने मुझे कुछ जहरीला सा लग रहा है और ये मुझे कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। इसके अंदर मैं जाऊंगा और मुझे लगता है कि इसमें जाकर के मैं, हो सकता है कि मैं ग्रैनी के पैसों को लूट सकूं, तो मुझे जाने देना, ठीक है? चलो 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 भाई, ये कहाँ पहुंच गया मैं? नहीं भाई बात, अरे ये मैं कहाँ चाल ले गया? अरे भाई ग्रैनी ने कौन सा जादू कर दिया मेरे पे? नहीं अरे बड़ी चोर की लग गई यार, मगर मैं कहाँ आ गया ये? अरे यहाँ पे तो ग्रैनी है। ए ग्रैनी, और ये कौन है भाई, ये इसका कोई नया बॉडीगार्ड है क्या? शादी वादी तो निकल ली इन लोगों ने, चलो जाके पता करते हैं। ओए ग्रैनी तू मुझे कहाँ पे ले आई है? देखो बेटा लिटिल सिंघम, अगर तुमने मेरी बात मानी और इस रैम चैलेंज को कंप्लीट कर लिया तो तुम्हें मिल जाएंगे वो सारे के सारे पैसे, और अगर नहीं कर पाए तो तुम अपनी जान से हाथ धोखो। बट महान श्री बाबा भंडारी का ये हुक्म है कि तुम इस रैम चैलेंज को कंप्लीट करो वरना अपने जान दे दो। अबे जा बे तू टंडी चर, मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी, ये रैम चैलेंज मेरे लिए कोई बच्चों का खेल है, आराम से कंप्लीट कर लूंगा। चलो मैं जल्दी से बैठ जाता हूँ, वैसे मुझे जीतूंगा तो सारे के सारे पैसे मिलेंगे, तो चलो फिर करते हैं पैसे के लिए। तो गाइस जितना आसान मैं इस रैम चैलेंज को समझ रहा था उतना आसान नहीं है ये सही में भाई, आगे पता नहीं क्या हरा भरा खेत है, उसके अंदर मुझे गिरना नहीं है, क्या पता कोई जहरीला हो, क्योंकि देखो आगे जो है ना समुद्र पता नहीं क्यों हरा हो जा रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, लगता है कोई ना कोई जहर का असर है। बट अभी तो जल्दी से ये चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा और आराम से सेफली कंप्लीट कर भी लेंगे, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेट्स गो, हमसे हो जाना तो चाहिए रैम चैलेंज और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। संभल करके ये निकाल लिए भाई यहाँ से, अरे मुझे तो, अरे कितना ईजी लग रहा है यार ये तो भाई, बट आगे मुझे लग रहा है मेरी हवा टाइट होने वाली है, मुझे अपने छोटे बच्चे लिटिल सिंघम
वहीं पे ही है और मुझे उनको पता बोल के भी नहीं आया। मैं पता नहीं अपने आप ही कैसे आ गया यहाँ पे, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। ले भैया यहाँ पे तो स्पाइडरमैन है, अभी देखो तुम्हारी इसकी दा हटो। भाई ये लोग मेरे को मारते, लगता है ग्रैनी ने हायर किया था इनको मेरे को मारने के लिए। चलो मैंने इनको टपका दिया। अरे मेरे पास तो एक और निंजा ट्रिक थी इनको मारने के लिए। चलो तुमने नहीं देखी क्या, चलो अभी दिखाता हूँ देखना अब। अरे ये पतली सी डंडी पे जाना है अब। ओहो रुक जाओ रुक जाओ, हवा टाइट हो जाने वाली है, चैलेंज कंप्लीट करना है मुझे। लगता है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बस 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 हो गया। नहीं भैया ग्रैनी के पांव पड़े मैंने, तब जाके मुझे एक और चांस मिली है। वही बहुत रुलाया ग्रैनी ने, बहुत खतरनाक तरीके से। भाई तू कौन है, जो भी है साइड हट यार। चलो गाइस आगे चलते हैं और इसको तो भाई निकालते हुए यहाँ से आगे चलते हैं। भाई आज तो ग्रैनी के भाई पांव पड़े, मैंने कपड़े धोए उसके, क्योंकि भाई इज्जत की बात आ गई थी भाई। आप तो लिटिल सिंगम लोग वहीं पे ही है ना, इस वजह से इज्जत की बात आ गई थी, तो मुझे कैसे भी करके करना ही था ये रैम चैलेंज को कंप्लीट। अब चलते हैं। अब ग्रैनी ने मुझे बूस्ट भी दे दिया है थोड़ा सा, तो हो सकता है कि वो मेरी मदद कर दे। मगर ये क्या चीज़ है, इसको कैसे पार करूँ? इसके ऊपर मुझे इधर जंप करना है क्या? ठीक है, और फिर उसके बाद इधर जंप करना है, ठीक है, और इधर जंप करना है, बहुत बढ़िया लगता तो है, आसानी से कर लूँगा मैं। अब कहाँ जाना है? ओ भाई यहाँ से इतनी पतली डंडी के ऊपर जंप करना है, ये कैसे होगा? रुक जाओ देखते जाओ बस। अरे अरे फंस जाएगी मेरी गाड़ी। नहीं बचा ली गाड़ी, बूस्ट है, बच गई। तो गाइस मुझे पैसों के लिए सब करना पड़ रहा है। अरे नहीं बच जाएगी, बूस्ट है, कोई बात नहीं, बूस्ट निकाल लेंगे। अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये मेरी गाड़ी के साथ में क्या हो रहा है भाई? एक सेकेंड, ये लाल क्या है? अरे भाई साहब लावा कहाँ से आ गया? ले भैया ओम फो, यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या हो गई भाई। अब तो गाइस अब मुझे लावा के अंदर गाड़ी चलानी पड़ेगी। भाई ग्रैनी ने तो भाई चैलेंज ही बहुत ज़्यादा खतरनाक कर दिया। अब तो भाई मुझे जल्दी से गाड़ी को यहाँ से निपटाना पड़ेगा और उसके बाद में लावा वाले चैलेंज को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो क्या कर सकते हैं, अब करना तो पड़ेगा ही ना। यहाँ से आगे गाड़ी बढ़ाते हैं और यहाँ से आगे बढ़ाई, निकल जाएगी, प्लीज। ओ बच गई, ठीक है भाई आगे चलते हैं। गाइस अब इस बार मुझे इन बच्चों को गिरा के चलना है। चलो भैया नीचे गिरो। क्या बे नीचे गिर रहे यार, ये क्या चक्कर है? अच्छा इनको टच नहीं करना क्या? चलो कोई नहीं। अरे नहीं यार समस्या है। चलो अब यहाँ से निकालते हैं गाड़ी को, आराम से बचा करके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे मेरे पास बूस्ट है ना, अरे हाँ अब तक तो मेरा बूस्ट चार्ज हो चुका है। ये पहुंच गए। ऑल राइट गाइस, ओ हल्क अब तुम लोग जाओ लावा के अंदर, गिर गए। ऑल राइट गाइस, तो मैंने उनको तो लावा के अंदर गिरा दिया है, बट अभी मुझे इस चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं चैलेंज कंप्लीट के लिए। नहीं भाई ये नहीं हो सकता। अरे यार ये क्या हो गया भाई, मैं फिर से गिर गया भाई। ये जादुई काम ये केवल ग्रैनी ही कर सकती है भाई। नहीं प्लीज पानी के अंदर। ओ पानी के अंदर बच गए। अरे मुझे पता चल गया, मेरे पास में अभी अभी कोई आया है। ये देखो ये रहा लिटिल सिंगम, इसकी तो अभी देखो भाई इसको मारना पड़ेगा। इसने हमारे पैसे चुराने की कोशिश करी, इसकी तो अभी देखो गाइस बैंड बजाते हैं इसकी खटाखट, इसको मारना पड़ेगा कंटिन्यूसली। आप बताओ मैं किस तरीके से मार रही हूँ, ये मेरा मारने का तरीका सही है ना? अभी तो देखो और ब्लास्ट करेंगे इसको, ये पड़ी खिंचा करके। लिटिल सिंगम भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना, बिल्कुल भी मत करना भागने की कोशिश। हमारे पैसे चुराने के आया था ये। अरे दोस्तों कलरफुल लिटिल सिंगम सुनो शिवा सुनो, अब अपनी पावर इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। देखो वो ग्रैनी हमारे बड़े ब्लैक लिटिल सिंगम भैया को मार रही है। अब धीरे धीरे जाते हैं, एक एक ग्रैनी को टपकाते हैं, ठीक है। चलो तो भाई सबसे पहले मैं आ चुका हूँ यहाँ पे मारने के लिए एक एक ग्रैनी को, और एक एक करके मैं मारूंगा। फिर मैं सबसे पहले तो लिटिल सिंगम भैया को आजाद कराऊंगा, एंड उसके बाद में मैं ये सारा पैसा अकेला चुराने की प्लानिंग कर रहा हूँ। चलो तो देखता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये ग्रैनी है ना देखना, अब इसको मैं कैसे मारने वाला हूँ। ये इसको पकड़ा इधर और इसको चपका दो इधर, ठीक है। आजा ग्रैनी आजा, फंस गई ना, ठीक है। इधर इसको पकड़ो और इसको इधर टपका दो, बस आ गई। अब ये पड़ी, चलो क्या ख़त्म किया मैंने, ऐसे ही करना है गाइस, ऐसे ही करना है। चलो और ग्रैनी दिख रही है क्या आपको, ऐसे ही मारना है। और ये ग्रैनी ओ मेरे पे मारने आ गई है, इसको ऐसे पकड़ो और इसको ऐसे हवा में लटका दो,
ठीक है, उसके बाद में ये पड़ी। ओलो बढ़िया, और कोई मेरे को थोड़ी मार रहा है, नहीं मार रहा ना। ठीक है, एक ग्रैनी वो रही, इसको पकड़ो और इसको भी हवा में लटका दो, ठीक है, और ये पड़ी खिंचा करके। चलो दो दो ग्रैनी। गाइस ये सारे रोबोट है, चिंता की बात नहीं है, मगर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसको भी चिपका दो। आजा ग्रैनी, कहाँ पे गई वो ग्रैनी नहीं आ रही क्या? लगता है गाइस वो वाली ग्रैनी बहुत शातिर थी, उसने तोड़ निकाल लिया हमसे बचने का। मुझे बस इतना ध्यान रखना है कि इस कलरफुल वाली के अंदर नहीं जाना, ठीक है। अब इस ग्रैनी को पकड़ो और यहाँ से इधर इसको बांध दो, चिपका दो इधर। आजा आजा ग्रैनी, ओ टूट गया। ले भैया बोरी बोरी बोरी, ये अब देखना देखना मैं इसको मारूंगा, ये आप पड़ी खिंचा करके। चलो तो गाइस ऐसे ही करके मुझे मारना पड़ेगा, एंड चिंता मत करो मेरे में इतनी पावर तो है कि मैं सभी ग्रैनी को मार सकता हूँ। उसके बाद में मुझे बस पैसे लूटने हैं, चिंता की बात। ये इसको ग्रैनी को बुलाओ और दूर से अटैक करना है ये, और ये अब देखना हिला हिलाओ इसको, हिलाओ घुमाओ और मारो। बहुत बढ़िया, एक और बार। अरे ये कौन है? अब बस बची है केवल कलरफुल ग्रैनी। चलो वो तो छोटे लिटिल सिंघम संभाल लेंगे। मैं चाहता हूँ अब जल्दी से लिटिल सिंघम भैया को आज़ाद करता हूँ। इससे दूर रहना है। लिटिल सिंघम भैया, अरे लिटिल सिंघम भैया कहाँ गए? लगता है गाइस वो ग्रैनी से लड़ाई करने के लिए दूर चले गए हैं। वो चाहते हैं कि हम बच्चे लड़ाई ना करें, इस वजह से तो वो दूर चले गए। चलो मुझे जाके जल्दी से हेल्प करनी चाहिए, एंड हाँ मैं फ़ोन कर देता हूँ। हे बच्चा, छोटा लिटिल सिंघम, शिनचैन, शिवा, तुम लोग इस ग्रैनी को मार करके सारा पैसा लूट के चले जाओ, ठीक है? अरे हाँ हाँ ठीक है, चिंता मत करो। अरे मैं बच्चों को जाने ही नहीं दूंगा, बच्चों के लग लुगा गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है। चलो तो गाइस अभी थोड़ी बहुत ग्रैनी और बची है, इनको मैं मार देता हूँ जल्दी से। ये ग्रैनी कैसे हवा में उड़ रही है, ये पड़ी जोरदार। चलो अब बस ये वाली ग्रैनी बची है ना, इनको तो मैं एक स्मोक बॉम्ब से उड़ा दूंगा। ऐसा करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं चारों तरफ धुआं कर देता हूँ ताकि किसी को पता ही ना पड़े कि मैं पैसे चुरा रहा हूँ। चारों तरफ धुआं कर देता हूँ, ये देखना अब तो किसी को पता ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने पैसे चुरा रहा हूँ। ओ भैया किसी को पता ही नहीं पड़ेगा तो कोई मेरे को मार भी नहीं पाएगा। बहुत सही, ये मैंने आइडिया बहुत सही सोचा है, ठीक है, लगा तो चारों तरफ। अरे ये कौन है? ऑलराइट गाइस, तो अब हम यहाँ से सारा का सारा पैसा चुरा लेंगे और छुपा के ले जाएंगे। ग्रैनी को पता भी नहीं पड़ेगा कितनी धुआं हो रही है, उसको क्या ही समझ में आएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर, गुड नाइट।